हिसार के हरियाणा और राजस्थान के बीच बॉर्डर भद्रा में टिड्डी दल पहुंच चुका है। टिड्डी दल हिसार से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। टिड्डी दलों झुंड एक दिन में 150 किलोमीटर एरिया कवर करता है। टिड्डी दल को लेकर किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी टिड्डी दल का हमला फसलों पर हरियाणा के भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, रेवाड़ी में हो चुका है। वहीं हिसार जिला प्रशासन टिड्डी दल को लेकर पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने सभी SDM, उपमंडल व खंड स्तर पर टिड्डी नियंत्रण के लिए अधिकारियों कर्मचारियों का प्रशिक्षण करवाने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हिसार के कृषि विभाग के उप निदेशक विनोद कुमार फोगाट ने कहा कि जिला उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए सूचनाओं का तीव्र प्रेक्षण और संस्थानों के समुचित उपयोग की रणनीति बनाई है तथा टिड्डी नियंत्रण के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। टिड्डी दल के खात्मे के लिए सूचनाओं का तीव्र प्रेक्षण और सभी संसाधनों का समुचित उपयोग बहुत आवश्यक है। इसी के लिए अधिकारी जरूरी रणनीति बनाए। यदि जिला में टिड्डी दल का प्रवेश होता है तो उसका जल्द से जल्द खात्मा किया जा सके और किसानों का कम से कम नुकसान हो। हम चाहते हैं कि जिला में टिड्डी दल का प्रवेश ना ही हो, लेकिन यदि टिड्डी दल आ भी जाता है तो उसके लिए खात्मे और नियंत्रण के लिए अपनी तैयारी पूरी करके रखें। टिड्डी दल अगले 3 महीने तक सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है और केंद्र व प्रदेश सरकार टिड्डी दल के खात्मे और किसानों को इसके नुकसान से बचाने के लिए गंभीर हैं। टिड्डी के खात्मे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हिसार से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। टिड्डी दल जो भादरा या आप यूं लगाओ अपने हिसार के बॉर्डरिंग के ऊपर है, इसके ऊपर एक दो बार हमें राजस्थान की तरफ से अलर्ट मिला भाई ये कभी भी हरियाणा के अंदर टिड्डी दल घुस सकता है। उसके ऊपर जो कृषि विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, अपने पंचायती राज डिपार्टमेंट है, सभी इसके ऊपर काफ़ी चौकन्ने हैं और वो किसानों को इस बारे में बार बार जागरूक भी कर रहे हैं भाई टिड्डी बैठने के बाद आपने उनके ऊपर स्प्रे करना है, उससे पहले स्प्रे नहीं हो सकता। अगर दिन के टाइम में आते हैं तो आप शोर करके DJ, ढोल, नगाड़े कुछ बजा के उनको थोड़ा आगे कर सकते हैं। देखो जो भी टिड्डी दल की स्पीड होती है वो ज़्यादातर हवा के रुख की तरफ, रुख के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर हवा का रुख जिस दिशा में होती है उस दिशा में अगर चलती है तो एक दिन में वो करीब 150 किलोमीटर के करीब अपना रूट तय करती है। लेकिन अपने लिए सबसे अच्छी बात यह है कि राजस्थान की तरफ से कई बार हवा इधर आती है लेकिन हरियाणा के बॉर्डर के अंदर या हिसार के बॉर्डर के अंदर आने से पहले ही वो रूट उनका हवा के डायरेक्शन होने से चेंज हो जाता है। तो अपना हिसार का भी लग काफ़ी बचाव है। हिसार में इस तरह का कोई भी अभी लग टिड्डी से नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई। हिसार जिला प्रशासन ने अपने DC महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई और DC मैडम ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि गांव के ऊपर पटवारी, ग्राम सचिव और जो भी अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी हैं, वो इसके बारे में किसानों को सजग करें, उनको टिड्डी के बारे में उनकी पहचान बताएं, ग्रास ऊपर और टिड्डी के बारे में क्या फ़र्क है उसके बारे में बताएं और टिड्डी आने के बाद जिस तरह अगर पानी का प्रबंध रखें, दवाइयों का प्रबंध रखें और अन्य टिड्डी कंट्रोल के लिए जितनी भी प्रबंध हो सकते हैं मैक्सिमम वो मैडम ने दिशा निर्देश दिए और उनकी हम पालना कर रहे हैं। और मैं ये भी सुनिश्चित करता हूँ कि नंबर एक तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि अपने अंदर TD न आए, अगर आने की स्थिति में हम उसको बखूबी कंट्रोल करेंगे। आज अपने हिसार के अंदर कहीं भी TD नहीं आई लेकिन जिस तरह भादरा के आसपास जो आस पड़ोस के कृषि विकास अधिकारी हैं, फार्मर हैं, उनसे अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने TD का एक स्वर्म अपने भादरा के आसपास नोटिस किया है। आप भी न्यूज़ के अंदर देख रहे हो ये अपने हरियाणा के अंदर जिस तरह भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के एरिया में या आगे मेवात इधर नोटिस किया गया और उसको भी डिपार्टमेंट ने कंट्रोल किया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.